अक्सर बॉलीवुड की चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में हर किसी को ये लगता है कि एक गॉडफादर के होने से उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आज इस मंच पे एक ऐसे खास मेहमान आने वाले हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि टैलेंट से बड़ा कोई गॉडफादर नहीं होता। एक छोटे से शहर से आकर इन्होंने बॉलीवुड में एक कंप्लीट एक्टर की पहचान बनाई। दिल की ये आरज़ू थी कि आप इंडियन आइडल पर आए। यू नो व्हाई पापा? क्योंकि न जाने कितने गीत आपने अपने होंठों से छूकर अमर कर दिए हैं। आई नो ये देखकर आर्य और प्रतीक क्या कहने वाले हैं। पीकेसी पापा की चमची। प्लीज वेलकम मिस्टर राज बब्बर। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरे महल की है। शुक्रिया आप सबका कि कम से कम आज मुझे इन सब दोस्तों के साथ में रूबरू कराया। और आद्या, शुभदीप, अनन्या, ये ऐसे चेहरे जो रोज हमें दिखाई देते हैं, मेरे परिवार के साथ में मैं दिखता। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम एवरीवन टू इंडियन आइडल। राजी, वन ऑफ योर मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स प्रेम गीत, जिसमें लेजेंडरी जगजीत जी ने पहली बार म्यूजिक दिया था। उनका संगीत, उनके गाने और आपकी एक्टिंग ने हर सिंगर, हर म्यूजिशियन को उनकी जिंदगी की सबसे अनमोल लाइन दे दी थी, ऑटो शूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। और आज एक बार फिर आपके गीत को करने अमर लेकर 32 की कमर आ रहे हैं आइडल के स्लो मोशन गायक पीयूष पवार। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाना, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। आप ये
performance. ये मेरी खुश नसीबी है कि जगजीत सिंह जी ने सबसे पहले किसी का प्लेबैक किया है तो मेरा किया है। मैं तो ये कह रहा था जगजीत जी के लिए राज जी की जुबानी उनका ये गीत दो लाइनें सर दो लाइन होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ब्यूटीफुल सर ब्यूटीफुल बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अमेजिंग थैंक यू। वैसे दोस्तों हमारे सिंगर्स की पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस पे जनता के वोट्स तो आ गए हैं और इस हफ्ते जजेस के स्कोर्स के बेसिस पे होगा इंडियन आइडल सीजन 14 का तीसरा एलिमिनेशन। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता पहला गाना है जिन पर फिल्माया गया वो धर्मेंद्र जी थे और धर्म जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सच्चाई है जिसके अंदर मोहब्बत है और उस गाने को और उस शख्सियत को आपने अपनी आवाज़ से जो रफ़ी साहब की आवाज़ थी उसमें किस तरह से आपने पिरोया है जीते रहो। मैं अगर पहली बार किसी स्टार को करीब से देखा है तो धर्मेंद्र है। जजेस स्कोर प्लीज। ओ भाई फोन पे बात कर रहा हूं जरा रुक जाओ। हाँ रंबा अरे तुम मरी एक्चुअली पता है गलती है ना इनकी नहीं है। एक मिनट रामबा वेट होल्ड ऑन गलती इनकी नहीं। अरे रुक जाओ गलती इनकी नहीं है राजी गलती आपकी है मेरी है। हाँ जी इसलिए कि गाना इतना बड़ा हिट हो गया इतना हिट हो गया कि आप जब जब अगर कोई भी इंसान रामबा नाम लेता है तो उसके साथ ही अटैच हो जाता है। ये सच है भाई हमारे जमाने में भी ऐसा ही था। तो बस अब वही सुपर हिट गाना रामबा अरे गाने आ रही है वो जिसको आइडल की ट्रॉफी चाहिए दो 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 क्या बात प्रेजेंटिंग अंजना पद्मना वन वन वन। यस अंजना पद्मना वन 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 आर यू ऑल रेडी। यस देखिए उषा उत्तप को गाना इतना आसान नहीं है और ये गाना गा सकता कोई तो अंजना गा सकती है। थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये गाना गा सकूं। आई रियली रियली होप आपको आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगे। क्या ये परफॉर्मेंस हम लोग राजी जी आप मैं श्रेया तीनों जैसे लोग कंसर्ट में एंजॉय करते हैं वैसा हम लोग क्यों ना एंजॉय करें। चलिए ना मजा आएगा चलो लेट्स डू इट।
कहां से आई? जब जब तुम्हें सुनते हैं हालत खराब होती है, लेकिन ये क्रेडिट जाएगा साहब इंडियन आइडल के तमाम लोगों को, पूरी टीम को। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आने वाला कल इस बात को भूल नहीं पाएगा कि सिंगिंग की दुनिया में एक अंजना पद्मनाभन भी है। और उषा जी, अगर आप कहीं बैठी देख रही हैं तो देख लीजिए, इसने भी गाया गाया गाया।
Thank you so much. ये rock star है यार यहाँ ये rock star है। ये performance हमारी hit से ज़्यादा lit है। वंजना पद्मना बन फरीदाबाद की छोटी डॉन आद्या मिश्रा। क्या आज यह गाना कौन सा गा रहे हैं? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात। आद्या, आपके लिए भी हमने एक सरप्राइज सोच के रखा है। तो दोस्तों, अब इस मंच पे आ रही है वो जिन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से 80s के दौर में हर दिल पे राज किया। क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें ग्लोरी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया था। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल फिल्म फेयर अवार्ड विनर सिंगर एक्टर सलमा आगा जी। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है कि तुमको आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा। सलमा जी के लिए एवरीवन जोरदार तालियां। बहुत वाह 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 वाह। हमारी तरफ से सबको ही बहुत मोहब्बत भरा आदाब, और एक आदाब वहाँ बहुत खास, वो पुराना आदाब है, अब भी आदाब है। मुझको नमस्ते ही कर लो, मैं तो देख के सरप्राइज हो रहा हूँ। हीरो से मिलवाया आज इतने सालों के बाद। ये दूरी हमको अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं, हम लोग मिलते हैं। सॉरी। देखना जरा, सीढ़ियां हैं, वहां से उतरने में दिक्कत होगी। नहीं, सीढ़ियों में हमें दिक्कत नहीं होगी, आप कहिए, मुड़ के आपके पास आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड यू ऑफ कोर्स द स्टार ऑफ द शो आद्या मिश्रा, लवली यूनिक वॉइस यू हैव, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, आई एम सो ऑनर्ड कि मैं आपसे ये सुन रही हूँ, इट मीन्स अ लॉट। और आज मैं आप ही का गाना गाने जा रही हूँ, दिल के अरमा आंसू में बह गए। हम खास तौर पे आपका गाना सुनने आए हैं। थैंक यू। सर, आपकी जो मूवी है निकाह, उसका एक बहुत फेमस शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज वो शेर हम सबके लिए एक बार बोलिए। वो मैं बोलूं, लेकिन सूखा शेर नहीं बोलूंगा, सूखे फूल के साथ बोलूंगा। सूखे फूल के साथ, वाह वाह। अर्ज किया है। आए, आए, अरे आए, आप तो बोल दो इरशाद। आपने कभी कहा ही नहीं कि आपका नाम इरशाद है, तो हम कैसे कहे? माशाल्लाह, ये सलमा जिनका नाम कहाँ से पड़ गया। अब के हम बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये लो किताबों में। वाह वाह। Oh,
सितम ये सोच कर हम सह गए हर सितम ये सोच कर हम सह गए हम वफा करके भी तन्हा रह गए दिल के अरमां आंसुओं में बह गए दिल के जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई ये 17 साल की आद्या है ये परफॉर्मेंस जो आज है तुम्हारा और तुम्हारी गायकी ये अगले 7,000 ईयर्स तक याद रखा जाएगा मुझे ऐसा लगा कि एक ज़माना था बेगम अख्तर ऐसे बड़े बड़े कलाकार एक शतक में आते हैं दशक में नहीं वैसी एक कलाकारा हमें मिली है सलमा जी खामोश हो गई ऐसा होता है वो चीज़ें जो दिल पे असर कर जाएं वो खामोश कर देती हैं प्यार के किस्से अधूरे रह गए प्यार के किस्से अधूरे रह आजा इस गीत की गायिका भी बैठी हैं और गीत की नायिका भी बैठी हैं मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इनको अपनी परफॉर्मेंस याद आ गई होगी कि ये दर्द वाकई इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया था जो आज आपने आवाज में भी दिखाया शायद परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है ये पहला है I am surprised. ये आद्या का पहला? Yeah. You deserve it, आद्या. You're a rock star. Wow. मैं बोला तो दो लाइन आप अगर गा देंगे इस गाने को. Please, please. गाएं हम आपकी फिल्म का गाना. आप गाएंगी तो अच्छा लगेगा लोगों को अच्छा लगेगा मुझे जो लगे उससे क्या फर्क पड़ता है अरे बहुत फर्क पड़ता है आपको नहीं पता दो बार तालियां हो जाए एक बार सलमा जी के लिए एवरीवन दिल के अरमां आंसुओं में बह गए दिल के अरमां आंसुओं में बह गए दिल के बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फादर फिगर नहीं मुझे फादर मिले बी आर चोपड़ा साहब पहली फिल्म इंसाफ के तराजू के बाद बी आर फिल्म में कोई ऐसा शाकार नहीं रहा होगा जिसमें मैंने काम नहीं किया हो चाहे टीवी सीरियल रहा हो चाहे छोटी फिल्में रही हो चाहे बड़ी फिल्में रही हो शुक्रिया
राज जी, जितना हम जानते हैं, आप तो हमेशा ही शुरुआती दौर से ही उस्तादों से घिरे हुए हैं। आपको मुंबई बुलाया डायरेक्शन के उस्ताद प्रकाश मेहरा जी ने, आपकी टैलेंट को पहचाना राइटिंग के उस्ताद सलीम जावेद साहब ने, आपके स्क्रीन टेस्ट को पास किया एक्टिंग के उस्ताद दिलीप कुमार साहब ने, और ये वो उस्ताद है जिन्होंने बॉलीवुड के बीते हुए दिनों को सवारा है। और सर, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उनसे जिनके हाथों में म्यूजिक का आने वाला कल है। तो प्रेजेंटिंग कोलकाता की उम्मीद उस्ताद शुभदीप दास चौधरी। गाने में मुझे वो सारे दिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 72 शॉट में ये गाना एक दिन में कंप्लीट किया था, वो दर्द भी नजर आ रहा था। बीआर चोपड़ा साहब की तबीयत खराब हो गई थी और ये गाना पिक्चराइज करने की जिम्मेदारी हम लोगों को दे दी थी, और आज जिस हरकत से तुमने गाया है, अगर कहीं मेरे सामने उस वक्त नजर आते तो इस गाने में मैं और जान डाल दिया होता। ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।